तो आज हम बात कर रहे हैं पावर क्यूरी के बारे में। तो ऑनलाइन क्लासेस में हमारे साथ दीपक जी आ गए हैं, जंदर जी, विजय जी एंड विशाल जी है। अब इस चीज को समझिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं पावर क्यूरी के बारे में। मेरे पास डेटा है, यहाँ पे प्रोडक्ट का है, यहाँ एमआरपी का है, कस्टमर का, इनका डेटा मुझे यहाँ चाहिए। यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट के साथ इसके नेम वगैरह भी लाना चाहता हूँ, मैं क्वांटिटी सीआईडी के साथ भी नेम वगैरह लाना चाहता हूँ। तो हम दोनों को आपस में मर्ज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ वी लुकअप लगाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि डेटा लुकअप हो गया है। तो डेटा में हम जाते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रॉम फाइल। ये हमारा पीक्यू डेस्कटॉप पे है, फ्रॉम फाइल पे क्लिक किया है मैंने। ओके, और इस पीक्यू को सेलेक्ट किया, इंपोर्ट। ये थोड़ा स्लो चलता है, थोड़ा सा पेचीदा रखिए। उसके बाद मैं डेटा को ले लेता हूं, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता हूं। ट्रांसफॉर्म में क्लिक किया क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी कनेक्शन चाहिए, मुझे सिर्फ इसकी कनेक्शन चाहिए, इसलिए। मैं लोड एंड क्लोज कर देता हूं। यहाँ पे ओनली कनेक्ट, क्रिएट द कनेक्शन। उसके बाद फिर वापस हम गेट डेटा पे जाते हैं, फ्रॉम फाइल, और इसकी इस बार जो है पीक्यू की सिलेक्ट करते हैं, और हम इस बार दूसरा सीट लेंगे, मतलब कि पीआरसी। पीआरसी को सिलेक्ट किया और सेम ट्रांसफॉर्म डेटा। और इसमें भी कुछ करना चाहते तो कर सकते हैं। और फिर इसको यहां से हम होम पे लोड एंड क्लोज कर देते हैं, और इसके लिए सिर्फ कनेक्शन को क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम यहां इसमें आते हैं, मर्ज क्यूरी पे आते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन को क्रिएट करना है। तो यहां से हम सेलेक्ट करते हैं अपना डेटा और यहां सेलेक्ट करते हैं पीआर। हमने बोला डेटा का पीआईडी इसके पीआईडी के बराबर है,
यहाँ मैच में बता दिया कि 462 नंबर मिलना है एंड देन फिर वापस आपको पावर क्यूरी एडिटर आ जाता है। अब मुझे इसमें चाहिए उसमें से प्रोडक्ट का नेम वगैरह चाहिए, तो मैं अब यहाँ पे हम ला सकते हैं पीआर का टेबल। मैंने यहाँ मुझे पीआईडी का नेम एंड एमआरपी दोनों चाहिए, हमने इसको ओके कर दिया, यहाँ आ गया। लेकिन मुझे इस कॉलम को उठा के मुझे पीआईडी के बगल में रखना, इसको उठा के दस मैं यहाँ पे बगल छोड़ दिया, आ गया। मुझे इसको क्वांटिटी बात सही है। अब मुझे इसके बाद एक डेटा ऐड करना है जो कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करके देना है, तो उसके लिए हम ऐड कॉलम में जाते हैं, यहाँ पे कस्टम कॉलम ऐड करते हैं। इक्वल क्या होना, कस्टम की जगह पे हम बोलते हैं यहाँ पे अमाउंट, और अमाउंट में क्या होना चाहिए, हमने अमाउंट में बोला कि क्वांटिटी इंसर्ट और यहाँ पे ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लाई किसके साथ, तो इनके साथ, कोई एरर डिटेक्ट नहीं हुआ। देन एक अमाउंट का कॉलम ऐड, मुझे टैक्स निकालना है, इसमें मान लीजिए 18% की जीएसटी निकालना है, तो यही पे कस्टम कॉलम में ऐड करेंगे, और यहां पे कस्टम की जगह देता हूं मैं जीएसटी, और फिर मैं यहां पे बोलता हूं कि अमाउंट इनबाउंड इंसर्ट मल्टीप्लाई बाय 18%। देखिए यहाँ पे एरर शो हो रहा है। ओके, ये परसेंटेज का सिंबल एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैं 0.18 कर दू या फिर 18/100 कर दू, यहाँ पे एरर नहीं होगा तो एरर दिख जाएगा। एंड ओके, ये आपके सामने आ, अब मैं आफ्टर लोड एंड क्लोज कर दू, तो दोनों डेटा का मिक्सअप यहां आ गया और विथ कैलकुलेशन। अब इसका बेनिफिट क्या, क्योंकि इसको हम तो ए भी कर सकते थे, वीलुक भी कर सकते थे, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका मान लीजिए कि ये जो डेटा आपका है ये कहीं से कॉपी पेस्ट होके आता है, तो आपने 6 अप्रैल तक कॉपी कर लिया और 7 अप्रैल का कॉपी करोगे, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर इस फॉर्मेट में होगा, हमारा इस फॉर्मेट में होगा, तो ये नेम सीआईडी आपका ये जो नेम और क्वांटिटी का लोकेशन है, तो आपको मैन्युअली कॉपी पेस्ट करना पड़ जाएगा, पहले आप इतना कॉपी करेंगे फिर इतना कॉपी करेंगे, बीच में डेटा हो तो सीक्वेंस होगा नहीं, क्योंकि आपका जो इनपुट है उसमें सिर्फ इतना ही आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ कुछ एंट्री अगर इंक्रीज होती है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ एंट्री को बढ़ा दिया, कुछ एंट्री को मैंने मान लीजिए यहां पे बढ़ा दिया, तो आपका सीट 5 में 400 अभी कितना है तक है 462 है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा यह 472 तक, अच्छा इसको रिफ्रेश करना होगा, अच्छा सेव नहीं किया, रिफ्रेश होते आ जाता है 472 आ गया ना, सेव करना पड़ा, मैं सेव नहीं किया था इसलिए,
72 आ गया, अपने आप बढ़ गया। इस तरह से इसमें कोई नाम चेंज होगा तो फिर अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि इसमें मेरा तीसरा कॉलम जो है वो फिक्स नहीं है, मतलब कि मुझे कस्टमर के भी नेम और सिटी इसमें चाहिए। तो फिर मैं एक और यहाँ पे जाता हूँ, क्या बोलते हैं इसमें डेटा में, और मैं यहाँ पे फ्रॉम फाइल में फ्रॉम वर्कबुक और तीसरा फाइल की कनेक्शन क्रिएट करता हूँ, तीसरे शीट का। ये तो शीट्स है, ये अलग अलग फाइल भी होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। और इसमें हम तीसरा शीट कस्टमर है, कस्टमर को लिया लोड एंड ट्रांसपोर्ट, और यहां लोड एंड क्लोज कर कनेक्शन ओनली। और फिर मैं यहां पे वापस आता हूं कंबाइंड क्यूरी में और यहां मर्ज क्यूरी यूज करता हूं। यहां मर्ज वन है, इस मर्ज, अब देखिए यहां पे क्या हुआ कि मर्ज के साथ करना है क्योंकि एक बार में यहां दो ही क्यूरी को मर्ज किया जा सकता है। तो हमने पहले डेटा और पीआर को मर्ज करके एक नया क्यूरी बनाया, अब उस क्यूरी को हम कस्टमर के साथ मर्ज करेंगे। एक थोड़ी सी दिक्कत है, तो हमने बोला इसकी जो सीआईडी है इसकी सीआईडी के बराबर है, यहाँ कनेक्शन क्रिएट हो गया एंड ओके हो गया। अब यहां पे मुझे इसका नेम, सीआईडी का नेम और सिटी चाहिए, और वो भी अपने पोजीशंस पे। तो मैं कस्टमर के बाद यहाँ सीआईडी नाम दोनों रखेंगे एंड आफ्टर दैट हम इसको लोड एंड क्लोज कर। ये हमारा फाइनल, समझ में आया? समझ में आया सर? दीपक जी, विजय जी, समझ में आया? अब चलिए इसको एक और तरीके से किया जा सकता है। ये तो 2019 का फीचर था, लेकिन हम लोग 2007 में भी इसका यूज करते थे, लेकिन 2007 में इस तरह की मर्ज क्यूरी और बाकी क्यूरी नहीं थी, समझे सर? तो उस समय हम कैसे यूज करते थे, तो चलिए उस स्टाइल को हम यहाँ आपके सामने करके देखते हैं। और मैं पहले बता दूं कि 2019 में वो स्टाइल को हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो कभी अगर किसी तरह की दिक्कत आए तो प्लीज हंसिएगा नहीं। अब मैं अपने इस वाले फाइल को बंद कर देता हूँ जो पावर क्वेरी वाली फाइल है। मेरे पास एक और फाइल है जिसमें सेम डेटा है, बट इसको हम पावर क्यूरी की मदद से नहीं करना चाहते क्योंकि पावर क्यूरी हमारे 2013 में नहीं है, हमारे 7 में नहीं है, तो वहां दिक्कत है। तो वहां पे क्या है, वहां पे मेरे पास है पावर क्यूरी के जगह पे एमएस क्यूरी। तो चलिए एमएस क्यूरी के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। मुझे यहां पे चाहिए, तो इन सब यहां पे डेटा में ही फॉर्म क्यूरी में ही, यहाँ पे अदर सोर्सेज में आपको माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी आता है जिसके बारे में हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में समझाया था। अब इसे मैं एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करता हूँ एंड ओके, और यहाँ डेस्कटॉप पे आता हूँ और एम क्यूरी को सिलेक्ट करता हूँ। अब इसका एक डेटा मान लीजिए सेल्स का है, तो हम सेल्स का डेटा रखते हैं और यहाँ नेक्स्ट। इसमें से कई सारे डेटा अलग अलग शीट का चाहिए,
तो एक मिनट मैं अरेंज कर लेता हूँ यहीं पे। हमें सेल्स का डेटा चाहिए, तो सेल्स का डेटा चाहिए इसमें, हमें यहाँ पे सेल्स आईडी चाहिए, डेट चाहिए, पी आईडी चाहिए, और फिर हम प्रोडक्ट में आते हैं, प्रोडक्ट का नेम एंड एमआरपी चाहिए, एमआरपी नहीं, एमआरपी तो बाद में आएगा, एमआरपी हटाता हूँ। फिर मुझे इसमें सीआईडी चाहिए, सेल्स की सीआईडी चाहिए, और फिर मुझे यहाँ पे सीआईडी का नेम और सिटी चाहिए। अरेंज कर रहा हूँ मैं यहीं पे। फिर मैं यहाँ सेल्स की क्वांटिटी लूंगा और प्रोडक्ट की एमआरपी लूंगा, ये हमारा। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब यहाँ खुल गया। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन नहीं, तो तीनों के बीच में सबसे पहले मुझे रिलेशंस क्रिएट करना। सुनाया सर? बस इसको उठा के उसके ऊपर ड्रॉप करना है और रिलेशन क्रिएट हो गया। और पीआईडी को उठा, यहाँ पे पीआईडी को उठाना है और यहाँ पे क्लिक करना है कि आपका पीआईडी का रिलेशन। तो तीनों के बीच में रिलेशन जस्ट हम ड्रॉप कर देंगे और हमारा रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, हमें मर्ज करने की जरूरत नहीं। यहाँ अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि ग्रुप बाय, क्योंकि ग्रुप जो हुआ है यहाँ पे एस आई डी का अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसपे हमें इसको, मुझे इसको ग्रुप बाय इसके चाहिए, मतलब कि शॉर्टिंग होना चाहिए और एस आई डी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, शॉर्टिंग इसके अकॉर्डिंग नहीं है। अब शॉर्ट जो है इसके अकॉर्डिंग हो गया, डेटा इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट हो गया, एस आई डी का मैं यहां से शॉर्ट कर दिया। अब इसमें मुझे सी आई डी नेम क्वांटिटी, अब क्वांटिटी के बाद बाहर आते एमआरपी, एमआरपी के बाद मुझे यहाँ पे एक नाम ऐड करना है, वो है एमआरपी मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमाउंट, ए एम टू अमाउंट अमाउंट, और सिंपली यहाँ पे कोड देता हूँ इस तरह से, और फिर यहाँ लिखता हूँ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बड़ी ब्रैकेट में एम आर, एंटर मारता हूँ, सिंटैक्स एरर आ गया। यहाँ पे हमें फंक्शन इस्तेमाल करना है, एक मिनट ऐसे लिखना पड़ेगा, अमाउंट ये लिखता सही तो था, और यहाँ पे सेमीकॉलन, सेमीकॉलन। अब यहाँ पे होगा हमारा सिटी डॉलर डॉट, मैं सिटी नहीं है माफ कीजिएगा, एपीआर वन, हाँ सेल्स, सेल्स डॉलर डॉट क्यू टी वाई क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय PR डॉलर डॉट MRP। अब वो मैं सही रिव्यूअर, इसमें तो लेना नहीं है, एक क्वांटिटी तो ऑलरेडी है, हेडलाइन हम कॉलम के हेडिंग दे देते हैं,
अब इसमें हम मल्टीप्लाई बाय पी आर डॉलर, इसी तरह कैलकुलेशन में दिक्कत होता है क्योंकि एसक्यूएल की बहुत सारे चीज को सीड नेम में डॉलर साइन लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है। हाँ आ गया, हमने क्या किया कि इस पे एक किसी एक फील्ड को यहां से ले लिया। देखिए हमने कैसे किया, हमने किसी एक फील्ड से हमने क्वांटिटी को ले लिया, क्वांटिटी को ले लिया, सेल्स क्वांटिटी को, ये लिंक हो गया उससे। फिर इस पे डबल क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे कॉलम की हेडिंग डाल दी, तो कॉलम की हेडिंग हमने डाल दी। इसके बाद यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई बाय वो जो था वो लिख दिया, तो डिलीट कर सकते हैं इसको आसानी से। या फिर अगर आप ये हो गया, ये तो हमने ऐसे किया, अदरवाइज आप सिक्वल में जाओगे तो इसकी क्यूरी को आप आसानी से लिख सकते सेल्स एस आई डी पूरा इन्होंने डाल दिया। यहाँ पे देखिए इन्होंने किया हुआ है कि सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय पीआर एमआरपी एज ए अमाउंट, आपको ये दिख रहा होगा। तो ये जो हमने चेंज किया था ऐसे यहाँ पे लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे यहाँ पे सिक्वेंसली लिख सकता। उसके फ्रॉम, अब यहाँ पे फाइल का लिंक है कि फ्रॉम हमने यहाँ पे सीटी से लिया, पीआर से लिया, और आपका ये क्या है एक तीसरा तीसरा आपका इसके लिंकर सिटी पीआर और सेल्स, तीन कॉलम का देखिए फाइल का। यहाँ पे अलग अलग फाइल भी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स है तो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स भी दे सकते हैं। और कंडीशन यह है कि सीआईडी सेल्स की सीआईडी इक्वल टू सिटी की सीआईडी एंड सेल्स की पीआईडी इक्वल टू इसकी पीआईडी, ऑर्डर बाय तो हमने सॉर्ट किया था, ये हमारा ऑर्डर। तो इस तरह का सिक्वल कोड भी आप लिख सकते हैं या फिर इसको मैनुअल भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं इसको यहां से रिटर्न, एक पूरा डेटा आ गया, मैं इसको रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर देता। दीपक जी, विजय जी, जितेंद्र जी, समझ में आया आपको? जी सर। अब तो मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी को मैं यहीं पे फिनिश करता हूं आज, कल से हम बाकी जो चीजें हैं उन पे डिस्कस करेंगे। बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितना पढ़ाया जा सके, इसमें बहुत सारे भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, बहुत सारे तरीके बन सकते हैं, तो आप लोग वो तरीका अपनाइएगा। और फिर आपको जो चीजें समझ में नहीं आती है वो मुझसे आप पूछ लीजिए, ठीक है? तो कल से हम बाकी शॉर्ट एंड फिल्टर में आपको एंड डेटा टूल्स वगैरह हम बात करेंगे। कल से आ जाएगा, थोड़ा सा हैंग हुआ है सिस्टम, ये थोड़ा सा हैंग करता है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो आप डिसाइड कीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी आपके लिए बेनिफिट था या आपके आपके लिए बेनिफिट था पावर। माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी में आप एसक्यूएल क्यूरी को आसानी से लिख सकते हैं, एसक्यूएल की तो इसका इस्तेमाल कर, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। पावर क्यूरी इजी है लेकिन उसमें भी प्रोसीजर को लेंथी फॉलो करना पड़ता है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय।